واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدر محترم उलमाए किराम मोहतरम बुजुर्गों नौजवान साथियों पर्दा नशीन माओ और बहनों प्यारे बच्चों रात के तकरीबन 1:45 बजे आपके सामने हाजिर होने का मौका मिल रहा है। बड़े लंबे सफर के बाद ताखीर से आपके बीच हाजिर हुआ हूं। आप लोगों ने इंतजार किया, जलसे के मुंतजमीन भी परेशान थे, लेकिन अल्लाह की तौफीक से दोपहर 3 बजे में बनारस में था और रात के 1:30 बजे अगर मैं आपके इस इलाके में नेपाल बॉर्डर के करीब मौजूद हूं तो ये अल्लाह ताला की तौफीक है, उसकी मदद है। और बड़ी खुशी की बात है कि इतनी रात गुजर जाने के बावजूद एक बड़ी तादाद में हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारी माए बहने अभी तक मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमारे इस जज्बे को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
कुरान मजीद के 14वें पारे की एक आयत आपके सामने मैंने पढ़ी है। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक सवाल का जवाब दिया है। सवाल यह है कि दीन पर चलने वाला, इस्लाम पर चलने वाला, शरीयत पर चलने वाला आखिरत में जो पाएगा वो पाएगा, दुनिया उसकी कैसी गुजरेगी। आमतौर से ये समझा जाता है कि दीन पर चलने वाले की दुनिया खराब होती है। हमने ये मान के चला है कि दीन अलग है, दुनिया अलग है। अगर आप दीन पर चलेंगे तो दुनिया नहीं कमा सकते, दुनिया में आप अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते, और अगर दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारना है तो दीन को कुर्बान करना पड़ेगा। यही तो समझते हैं। इस आयत में अल्लाह ने हमारी इस गलतफहमी को दूर किया है, इस सवाल का जवाब। और यहां एक नुक्ता और याद रखिए, कुरान और हदीस में जब कोई भी बात बयान की जाती है तो वो मर्दों के लिए भी होती है, औरतों के लिए भी होती है। जब तक के कोई दलील ना हो कि हां ये चीज औरतों के लिए खास है या ये चीज मर्दों के लिए खास है, जब तक खास होने की दलील ना हो तब तक शरीयत का हर हुक्म मर्द के लिए भी है औरत के लिए। लेकिन कहीं कहीं कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मर्दों और औरतों दोनों का नाम लेकर के कोई बात अगर बयान की है तो उसमें अल्लाह ताला ने ये पैगाम दिया है, ये मैसेज दिया है, ये संदेश दिया है कि मैं जो बात बयान करने जा रहा हूं, ऐ मर्दों तुम भी सुनो और ऐ औरतों तुम भी सुनो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए बहुत है। कुरान मजीद का 14वां पारा है, सूरह नहल की आयत अल्लाह फरमाता है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन, जो भी नेक अमल करे चाहे वो मर्द हो या वो औरत हो, या अल्लाह दोनों का नाम ले रहा है, जो भी नेक अमल करे चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वहुवा मुमिन, और वो ईमान वाला हो, वो तौहीद वाला हो, वो ईमान के साथ में कमल करने वाला हो। बहुत सारे यतीम खाने तो अडानी जी भी चलाते हैं, मुकेश अंबानी भी बहुत सारे गरीबों की मदद कर रहे हैं, बहुत सारे यतीमों की मदद कर रहे हैं, मगर उनकी ये नेकी आखिरत में उनके कोई काम नहीं आए। इसलिए कि अल्लाह ताला की आने की तभी नेकी मानी जाएगी जब आपके अंदर ईमान हो, आपके अंदर तौहीद हो। आप जितनी भी नेकी का काम कर रहे हैं, अगर आपके अंदर तौहीद नहीं, अगर आपके अंदर ईमान नहीं है, तो अल्लाह ताला की आपकी नेकी को कबूल नहीं किया जाएगा। दुनिया में तो हो सकता है अल्लाह ताला आपको नेकी का फल दे दे, बदला दे दे, मगर आखिरत में आपकी नेकी तभी अल्लाह ताला कबूल करेगा जब आपके अंदर तौहीद हो, आपके अंदर ईमान। अल्लाह फरमा रहा है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी मर्द या जो भी औरत नेक अमल करे इस हाल में कि वो ईमान वाला हो, वो तौहीद पर हो, वो एक अल्लाह की इबादत करने वाला हो, वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाला ना हो, वो शिर्क करने वाला ना हो, तो हम क्या करेंगे। अल्लाह फरमाता है, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे दुनिया में भी एक बेहतरीन जिंदगी देंगे। नेक अमल करने वाले को हम दुनिया में बेहतरीन जिंदगी, अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं है। अगर आपकी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजरेगी, अगर आपकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजरेगी, तो अल्लाह का वादा है कि अल्लाह आपकी जिंदगी को बेहतरीन जिंदगी बना देगा। अब बेहतरीन का मतलब यह नहीं होता कि आप करोड़पति बन जाए, बेहतरीन का मतलब यह नहीं कि आपके पास बड़ा आलीशान बंगला हो जाएगा, आपके पास फोर व्हीलर गाड़ी हो जाएगी। हो सकता है कि आपका मकान टूटा फूटा हो सकता है कि आपके पास एक साइकिल भी ना हो सकता है आपके घर में दुनिया की दौलत ना हो, मगर अल्लाह का वादा है अगर आप ईमान वाले बन जाएंगे और नेक अमल करने वाले बन जाएंगे, उस टूटे फूटे घर के अंदर भी आपको चैन की नींद आएगी, आपकी जिंदगी में
चैन होगा, सुकून होगा, बरकत होगी, अल्लाह की रहमत होगी। अल्लाह फरमाता है हम तुझे एक बेहतरीन जिंदगी अता फरमाएं। तो ये दिमाग से पहले ये कीड़ा निकाल कि दीन पर चलेंगे तो दुनिया नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई? इसी दीन पर चलकर के सहाबे किराम ने दुनिया को भी हासिल किया और आखिरत की नेमतों को भी उन्होंने हासिल किया। इसी दीन पर चलकर के पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहरा दिया सहाबे किराम ने। कौन सी ऐसी चीज थी जो सहाबा के पास आई? दौलत भी उनके पास आई, हुकूमत भी उनके पास आई, पावर भी उनके पास आया और दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर सहाबा किराम के दौर में वो दौर भी आया कि हजरत उमर फारूक का नाम लिया जाता था तो दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर डर जाते थे, कांपने लगते थे। आपके पास अगर ईमान है, आपके पास अगर तौहीद है, आपके पास अगर दीन है, दुनिया के सुपर पावर आपके आगे घुटने टेक देंगे। इसीलिए कुरान करीम में बड़ी प्यारी दुआ अल्लाह ताला ने हमको सिखाई है। और जब एक हाजी हज करने जाता है, एक उमरा करने वाला उमरा करने जाता है, जब खाने काबा का वो तवाफ करता है तो हजर असवद और रुकन यमानी के दरमियान भी वो इस दुआ को बार बार पढ़ता है, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। परवरदिगार तू हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी तू भलाई अता फरमा और जहन्नम के अजाब से तू हमें बचा। ये बड़ी जामे दुआ है जो कुरान ने हमें सिखाया। हमने अल्लाह से सिर्फ आखिरत का सवाल नहीं किया, हमने अल्लाह से दुनिया का भी सवाल किया। और इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी जब अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करते थे, वो तीन खंबा के मेरे नौजवान साथियों, वो डॉक्टर अमानुल्लाह जैसे इल्मी शख्सियत के गांव से ताल्लुक रखने वाले मेरे भाइयों, आपने साल में एक बार जलसा कराया, आपके गांव में इतना बड़ा मदरसा चल रहा है, बड़ी अच्छी बात है, मगर मैं एक मैसेज आपको ये भी देना चाहता हूं, आप अल्लाह के प्यारे नबी की दुआओं को भी याद किया, नबी अकरम की दुआओं को आप याद किया। नबी अकरम की दुआओं में बड़ी बरकत है, बड़ा खैर है मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मत अम्री। ऐ अल्लाह तू मेरे दीन को सही कर दे क्योंकि मेरी बुनियाद तो मेरे दीन के ऊपर है। ऐ अल्लाह मेरे दीन के अंदर कोई खराबी ना आने पाए। वह अस्लिह ली दुनिया या अल्लती फीहा माशी। और ऐ अल्लाह तू मेरी दुनिया को भी सही कर दे क्योंकि दुनिया के अंदर मुझे जिंदगी गुजारना है। वह अस्लिह ली आखिरती अल्लती इलैहा माआदी। और ऐ अल्लाह तू मेरी आखिरत को भी सही कर दे क्योंकि मरने के बाद लौट करके मुझे वहीं जाना है। अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली। ऐ अल्लाह जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर हो तो मुझे दुनिया में जिंदा रख। और ऐ अल्लाह जब मौत मेरे हक में बेहतर हो जाए तो तू मुझे दुनिया से उठा ले। ये दुआ करते थे अल्लाह, तो हमने दुनिया और आखिरत दोनों का सवाल किया। बहुत सारे ऐसे काम हमें लगता है ये दुनिया का काम है, शादी करना, बीवी का हक अदा करना, बच्चे पैदा करना और बच्चों की तरबियत करना, ये तमाम चीजें तो हमें लगता है कि दुनिया का काम है, मगर इस्लाम ये कहता है अगर आपने अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए और अपनी शर्मगाह की हिफाजत के लिए अगर आपने निकाह किया है और आप जायज तरीके से अपनी बीवी से अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं तो आपका ये ख्वाहिश पूरी करना भी शरीयत की नजर में सवाब का काम है और इस पर भी आपको सवाब मिलेगा। हो सकता है आपको हैरत हो रही हो, आइए मैं आपकी हैरत दूर कर देता हूं। सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है, अल्लाह के प्यारे नबी के पास कुछ सहाबा है, गरीब सहाबा आते हैं और आकर के कहते हैं अय अल्लाह के नबी अमीर लोग तो हमसे सलाब में आगे निकल गए, अय अल्लाह के नबी हम भी नमाज पढ़ते हैं और अमीर लोग भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी रोजा रखते हैं अमीर लोग भी रोजा रखते हैं, लेकिन अय अल्लाह के नबी हम तो गरीब
गरीब लोग हैं, हमारे पास दौलत नहीं है, हमारे पास माल नहीं है। वह अल्लाह के नबी, अमीरों को अल्लाह ने बहुत दौलत से नवाजा है, वो अल्लाह की राह में सदका खैरात करते हैं, वो चंदा देते हैं, वो दान करते हैं, वो खैरात करते हैं। अय अल्लाह के नबी, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो उनका मुकाबला इस चीज में नहीं कर सकते। अय अल्लाह के नबी, हम तो पीछे रह जाएंगे और अमीर लोग आगे निकल जाएंगे। मेरा नबी अमीरों का भी नबी है, गरीबों का भी नबी। मेरे नबी सारी कायनात के लिए रहमत है। मेरे नबी ने अपने गरीब सहाबा के आंसुओं को कैसे पोछा ले। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम्हारे पास सदका और खैरात करने के लिए दौलत नहीं है। कुल्लु तहलीलिन सदका व कुल्लु तहमीदिन सदका व कुल्लु तकबीरिन सदका। ऐ मेरे सहाबा, तुम जुबान से जब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो तो ये भी सदका है, तुम जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो तो ये भी सदका है, तुम जब सुभान अल्लाह कहते हो तो ये भी सदका है, जब तुम अल्लाहू अकबर कहते हो तो ये भी सदका है, जब तुम किसी को नेकी का हुक्म देते हो तो ये भी सदका है, जब तुम किसी को बुराई से रोकते हो तो ये भी सदका है। वफी बुज़ी अहदिकुम सदका, और जब तुम अपनी बीवी के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो तो ये भी सदका है। अल्लाह के नबी की जो ये आखिरी बात थी, ये सहाबा को बड़ी अजीब थी। अरे अल्लाह के नबी, क्या कह रहे हो? बीवी के साथ ख्वाहिश पूरी करना भी सदका है? आपने फरमाया हां। अगर इंसान यही अमल नाजायज तरीके से करे, जिनाकारी का रास्ता अपना ले, बदकारी का रास्ता अपना ले, अल्लाह को नाराज करने वाला रास्ता अपना ले, बेहयाई का रास्ता अपना ले, तो क्या उसके ऊपर गुनाह होगा कि नहीं होगा? हाँ अल्लाह के नबी, गुनाह तो होगा। आपने फरमाया, जब हलाल और जायज तरीके से एक इंसान अपनी बीवी के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है तो इस जिनसी ख्वाहिश के पूरा करने पर भी उसको सवाब मिलेगा। ये है मेरा इस्लाम, ये है मेरा। यही नहीं, आप घर में आते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं, आप अपने घर में आकर के अपने बीवी बच्चों को खाना खिलाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, उस खाना खिलाने पर भी आपका सवाब। बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन नफकतिन तब्तगी बिहा वजह अल्लाह, जिस खर्च के जरिए अल्लाह को राजी करते हो उस पर तुम्हें सवाब मिलेगा। हत्तल्लुक मतल्लती तज़रुहा फी इमराती का, यहां तक कि तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुकमा डालते हो तो अपनी बीवी को जो खाना खिलाते हो उस लुकमे पर भी तुमको सवाब मिलेगा। बीवी को खाना खिला रहा इंसान, ये तो प्योर दुनिया का काम है, मगर इस्लाम ये कहता है इस दुनिया के काम पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा, क्योंकि तुम बीवी को खाना इसलिए खिला रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी शरीक हयात है और तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, वो तुम्हारी जीवन संगिनी है, तुमने निकाह किया है उसके साथ, उसका हक है तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम उसको खाना खिला रहे हो। अल्लाह को राजी करने के लिए अगर तुम बीवी को भी खाना खिला रहे हो उस पर भी तुम्हें सवाब। इस्लाम की ये तालीम नहीं है, आप पूरे मुल्क का इंतजाम चलाएं और बीवी को छोड़ दें, आप किसी स्टेट के मुख्यमंत्री बन जाएं और आपकी बीवी बच्चे ना हो, इस्लाम की ये तालीम नहीं है। इस्लाम इसको कतानना पसंद करता है कि आप शादी ना करें और आप बाल बच्चे पैदा ना करें, आप बीवी का हक अदा ना करें, आप बच्चों का हक अदा ना करें, ये इस्लाम की तालीम। बहुत सारी बातें इशारों में कही जाती है, समझ करें। इस्लाम की ये तालीम नहीं है कि आप बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों से आजाद, आप साफ पूरे देश की सेवा कर रहे हैं और आप अपने परिवार को छोड़ दें, अपनी बीवी को छोड़ दें, ये इस्लाम की तालीम। जो सारे समाज के लिए अच्छा है, जो सारे मोहल्ले के लिए अच्छा है, जो सारे देश के लिए अच्छा है, उसको सबसे पहले अपने परिवार के लिए अच्छा होना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही वा अना खैरुकुम लिअहली। ओ लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो, अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छा हो, अपने अहलवयाल के लिए अच्छा हो, और मैं अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा हूं, मैं अपनी फैमिली के लिए सबसे अच्छा हूं। अगर एक तरफ अल्लाह के नबी सहाबा के दिलों के ऊपर राज करते हैं,
अगर एक तो अल्लाह के नबी सहाबे किराम के सरदार हैं और सहाबे किराम के इमाम हैं, तो दूसरी तरफ आप आयशा और खदीजा के शौहर भी हैं, आप फातिमा और ज़ैनब के बाप भी हैं, आपने एक बेहतरीन बाप का किरदार भी अदा किया और आपने एक बेहतरीन शौहर का भी किरदार अदा किया। यही वजह है जब एक मरतबा कुछ